देवास जिले के खातेगांव सतवास में रेत माफियाओं ने पुलिस दल पर हमला कर दिया। रेत माफियाओं के हौसले भी इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से कतरा नहीं रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र में कन्नौज SDOP ब्रजेश कुशवाहा अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्राली को रोका जिसमें रेत भरी हुई थी। इसके बाद उन्होंने दल पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में हिमांशु नाम के आरक्षक को चोटें आई है और अन्य दो पुलिसकर्मी भी मारपीट के शिकार हुए। घटना में SDOP ब्रजेश कुशवाहा बाल बाल बचे। सभी घायल पुलिसकर्मियों का सतवास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई सालों से हो रहे इस अवैध धंधे में लगे लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस अधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा भी सतवास पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि यह बेहद गंभीर घटना है। पुलिस का काम अमन चैन शांति कायम करना है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। कितने आरोपी नामजद हुए हैं और क्या कार्रवाई की गई है? SDOP कन्नौज आज सतवास की ओर आ रहे थे तो सतवास कस्बे से ठीक पहले कोई रेत का ट्रैक्टर उनको दिखा तो उसको रोकने को कहा तो वो भगाने लगा, उसका पीछा किए। पीछा करने के बाद ट्रैक्टर तो भाग गया, लेकिन जब वो जिस घर का ट्रैक्टर था कोई इमरान नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर का नाम सामने आया है तो वहाँ मोटरसाइकिल वो लोग लाने लगे तो उनने कार में बाधा उपस्थित की और हमारे जो एक हिमांशु नाम का ड्राइवर था उसके सिर में लाठी मारी, जो उसको सिर में चोट है जो अभी इलाज भी करा रहा है। इस प्रकरण में 5 नाम सामने आए हैं जिसको हमने चिन्हित कर लिया है और हम प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर इनके खिलाफ पूर्व के कोई अपराध होंगे तो हम बहुत कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के खिलाफ करेंगे। SDOP साहब की पूरी टीम थी, 4 लोग थे, कर्मचारी थे साथ में। सुनने में यह है कि उन पर भी हमला हुआ है। हाँ, ये जांच अभी प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल से हम थाने आए हैं, ठेके पे जाके और लोगों से पूछताछ कर लेंगे जी। चूँकि चोटें तो आई है, हमला तो हुआ है जी। SDOP साहब को कोई चोट नहीं है जी। उनका जो ड्राइवर है हिमांशु उसको चोट है और एक आरक्षक सुनील जाट के दाहिने हाथ पे कुछ चोट है और जो ड्राइवर मूल सैनिक अरुण था उसके सिर में लाठी से मारा गया है तो उसको मूंदी चोटें हैं जिससे वो भी इलाज कराया है। गंभीर घटना है और इसकी हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने नाम चिन्हित भी कर लिया है और अगर पूर्व के अपराध पाए गए तो मैंने आपको कह दिया कि इसमें हम कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। रेत माफिया तो क्या नकेल लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। पुलिस इसीलिए होता है, किसी भी प्रकार का माफिया हो जी। माफिया शब्द ही है कि जो जिसको हम पकड़ के सीचों के भीतर भेजेंगे। अमन और चैन शांति कायम करना पुलिस का प्राथमिक दायित्व है और जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। सर, हिमांशु जो ड्राइवर है उसको माध्यम में तोड़ रही थी, उसको इंदौर रेफर करने का माध्यम में तुम्हें चेंज किया? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल में उससे मिला आया हूँ, बहुत सामान्य अवस्था में है और बिल्कुल बातचीत की अवस्था में है और एक ड्रिप चढ़ने के बाद वो उसको हम डिस्चार्ज भी कराते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।